नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। अरबी एक प्रकार की सब्जी होती है। भारत के अलग अलग हिस्से में अरबी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरबी को अंग्रेजी भाषा में टारो कहा जाता है। कुछ लोग इसके पत्तों की पकौड़ी बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसकी सब्जी खाना पसंद करते हैं। कई जगहों पर तो इसे व्रत में फलाहार के रूप में भी खाया जाता है। आसानी से मिल जाने के बावजूद अरबी बहुत अधिक लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इसके फायदे चौंकाने वाले हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको अरबी के फायदे क्या है और इससे क्या नुकसान जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट करें। अरबी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, इसलिए जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है वो लोग अरबी का सेवन किया करें। अरबी खाने से इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान होती है और शरीर की रक्षा कई रोगों से होती है। दरअसल अरबी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी और ई पाए जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोरी नहीं पड़ने देते हैं। पाचन तंत्र रहे स्वस्थ। अरबी के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है और फाइबर को पाचन तंत्र के लिए कारगर माना जाता है। फाइबर युक्त चीजें खाने से पेट की रक्षा कई रोगों से होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहता है। इसलिए अगर आपका पेट सही नहीं रहता है और पाचन तंत्र सदा गड़बड़ रहता है, तो आप अरबी को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। आँखों के लिए लाभदायक। आँखों के स्वास्थ्य के लिए अरबी को अच्छा माना जाता है और इसे खाने से आँखों की रोशनी सही बनी रहती है। इसके अलावा आँखों की रक्षा कई रोगों से होती है। दरअसल इस सब्जी के अंदर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व होते हैं, जो कि आँखों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। डायबिटीज में फायदेमंद। अरबी खाने से खून में शुगर का स्तर सही बना रहता है और शुगर कंट्रोल में रहती है। जिन लोगों को शुगर की समस्या होता है वो लोग अरबी का सेवन किया करें। इसे खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जो लोग रोजाना अरबी को खाया करते हैं उन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप से मिलेगी निजात। आजकल अधिक आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रही है। हाइपरटेंशन होने से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं हाइपरटेंशन होने पर अगर अरबी का सेवन किया जाए तो इससे निजात मिल जाती है और रक्तचाप कम हो जाता है। इसलिए अगर आप तनाव में रहते हैं या आपका रक्तचाप उच्च रहता है तो आप अरबी का सेवन किया करें। ब्लड सर्कुलेशन सही करें। ब्लड सर्कुलेशन की मदद से शरीर के अंग सही से काम करते हैं, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहे, ताकि सभी अंग सुचारू रूप से काम करते रहे। अरबी के फायदे से ब्लड सर्कुलेशन को सही किया जा सकता है, इसलिए अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो आप अरबी खाया करें। वजन कम करने में सहायक। अरबी खाने से भूख अधिक नहीं लगती है, पर ऐसा होने से वजन कम होने लग जाता है। अरबी में मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं और मेटाबॉलिज्म वजन को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। इसलिए अधिक वजन होने पर आप अपनी डाइट में अरबी को शामिल कर लें और रोज थोड़ी अरबी जरूर खाया करें। अरबी खाने के कुछ नुकसान। अरबी को हमेशा अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि कच्ची अरबी खाने से पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा कई बार कच्ची अरबी खाने से गले में भी दर्द हो जाती है, इसलिए आप जब भी अरबी खाए तो इसे अच्छे से पकाकर ही खाएं। कई लोगों को अरबी से एलर्जी भी हो जाती है, इसलिए अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं तो आप ये जांच लें कि आपके लिए ये सही है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अरबी के फायदे बेमिसाल हैं, इसलिए इसे अपने डाइट में शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने अरबी के फायदों के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।